आज 6-7 दिन की ब्याई है जी, 16-17 लीटर दूध तैयार है जी। 16-17 तैयार है? तैयार है जी बिल्कुल। ये और भी बढ़िया चीज है। हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट फ्री, दूध तैयार, हाँ साथ में बछड़ी। बछड़ी और क्या चाहिए जी? कुछ नहीं, भगवान का नाम लें इसके बाद तो। हाँ, और इंतजार करें घर पे जब गाय आए तो उसकी व्यवस्था पूरी बना के रखें। व्यवस्था पूरी बना के रखें, गाड़ी वाले भाई को भी बढ़िया सेवा दें। हाँ, उसको भी रहने की, उसको भी दें। हाँ जी, उसके भी खाने पीने का प्रबंध जरूर से करके रखें। सफर में जाता है आदमी, हाँ, तो परेशानी है, गर्मी का समय है। और आपके घर तक गोमाता लेके आ रहा है, आपको अच्छा भाग्य मिल रहा है। हाँ जी, तो सेवा जरूर से बनती है। सही बात है। विक्रम जी, भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। जय गौ माता। जय गौ माता जी। आज के वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? 11 गायें है जी। 11 गायें? हाँ जी। पिछला वीडियो था उसमें भी 11 गायें थी? नहीं, 9 गायें थी जी। 9 गायें थी। हाँ जी। तो इस बार 11? हाँ जी। जो दर्शक पिछली बार छूट गए थे, हाँ जी, उनको भी गाय मिलेगी आज? मिलेगी जी। ठीक है जी। पिछली बार आपने एक ऑफर दिया था, हाँ जी, बड़ा शानदार। हाँ जी। इस बार भी कंटिन्यू करोगे जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या ऑफर था एक बार जो नए दर्शक है उनके साथ शेयर कर? गाय घर पहुँचने के बाद पैसा लेना है। अच्छा। हाँ जी। गाय आप यहाँ से भिजवा दोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसा उसके बाद देना है? हाँ जी। गाय जैसे घर पहुँचेगी, हाँ, गाय गाड़ी से उतारने से पहले गाड़ी वाले को पैसा देना है। अच्छा। हाँ जी। तो एक तरीके से ऑफर ये होगा कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे डिलीवरी आए, हाँ जी, पेमेंट कर दें। सही बात है जी। सही है। हाँ जी। तो खूबसूरत गायें हैं जी, बड़े बड़े अडर वाली है। हाँ जी, हाँ जी। हर गाय को देखेंगे परखेंगे। हाँ जी। एक एक गाय की आपसे अलग अलग डिटेल भी जानेंगे। हाँ जी। और साथ ही दर्शकों के साथ इन गायों की कीमत भी शेयर करेंगे। हाँ जी। कैश ऑन डिलीवरी है तो इसका मतलब आपको गाय के पैसे गाय घर आने के बाद देने होंगे। हाँ जी। तो ऐसी शानदार गायें अगर घर आने के बाद भी पैसे देने हो या पहले देने हो, हाँ जी, दोनों में ही दर्शक कंफर्टेबल है। सही बात है। फिर भी आपकी सुविधा बहुत शानदार है। हाँ जी। तो इस सुविधा का अगर फायदा अगर पूरा उठाना है, हाँ जी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। पूरा देखें और लाइक करें। लाइक भी जरूर से करें। हर गाय के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानकारी विक्रम भाई साहब की। हाँ जी। एड्रेस बता दो जी ये आपका। गांव रामगढ़ संग्रह जी, तहसील कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। ठीक है जी। और मोबाइल नंबर है जी 72298-19146। ठीक है। हाँ जी। ये मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। हाँ जी। सबसे बढ़िया फैसिलिटी है जी कैश ऑन डिलीवरी। हाँ जी। बहुत सारे दर्शकों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। हाँ जी। गायें दिखाते कोई दूसरी है। हाँ जी, सही बात। भिजवा कोई दूसरी देते हैं। सही बात है जी। टोकन डलवा लेते हैं। हाँ जी। और गाय भिजवाते नहीं है। नहीं भिजवाते। तो ऐसे में कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी बहुत शानदार रहने वाली है। हाँ जी। तो दर्शक जो देख रहे हैं, हाँ जी, वो विश्वास जमाएं। हाँ जी। अपने लिए अच्छी गाय का सिलेक्शन करें। हाँ जी। जिस भी गाय को सिलेक्ट करें, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। सही बात है। और ग्राहक जो भी गाय मंगवाता वो अपना विश्वास भी पक्का बनवा के दें कि जैसे, हाँ, मेरी गाय पहुंचे, हाँ, गाड़ी से उतरने से पहले, हाँ, पेमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। सही है जी। हाँ जी। तो कीमत की रेंज जाने जी सबसे पहले। हाँ जी। क्या कीमत की रेंज रहेगी? 65,000 से लेके 35,000 तक जी। तो सबसे कम कीमत 35,000? हाँ जी। और सबसे ज्यादा? 65,000 रुपए। 65,000 रुपए। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से रहेगा जी? 500 किलोमीटर तक का रहेगा जी। 500 किलोमीटर तक का? हाँ जी। जो ये आपने कीमत बताई है, हाँ जी, इसी में ट्रांसपोर्ट भी फ्री है? हाँ जी, इसी में ट्रांसपोर्ट फ्री है। और गाय के पैसे भी घर जाके? हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी। गाय के पैसे घर जाके, जैसे कोई भाई दो गाय बुकिंग करवाता ना, उसकी तो कोई परेशानी नहीं आती। वो तो चाहे टोकन भी ना डलवाए। कई भाई एक गाय मान लो करवा रहे हैं, तो उसके लिए कोई थोड़ा बहुत टोकन हो जाए तो विश्वास हो जाता है गाड़ी वाले को भी हमने बुकिंग करवानी होती है। एक गाय जैसे ज्वाइंट में कोई एक दो दिन आगे पीछे हो जाती है, दो गाय अगर हुई तो ये तुरंत लोड होती है। लोड तुरंत हो जाएगी, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो जो मान लो ज्वाइंट में होती है, कई बार फिर आगे कस्टमर बोल देता है कि गाय लेट हो गई है भाई जी, हमने नहीं लेनी, तो थोड़ी परेशानी हमें भी आती है। हाँ। एक गाय के लिए जिस भाई ने लेनी है, हाँ, अगर उसको विश्वास हो, हाँ, बुकिंग करवा सकता, अगर नहीं विश्वास हो तो हम तो भेजेंगे। ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कोई 2-4 हजार रुपया डलवाएगा हम, हाँ, उसका रोक के रखेंगे, भेजनी है भिजवाओगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो शुरू करें जी एक नंबर वाली गाय से। हाँ जी। इसी की डिटेल दे दो जी सबसे पहले। ये साहिवाल, हाँ, और थोड़ा बहुत जर्सी में मिक्स है। मिक्स है। हाँ जी। अच्छा, ब्यांत कौन सा है? दूसरा ब्यांत है जी, पीछे आई बछड़ी। बछड़ी। हाँ जी। तो शुरुआत ही बछड़ी से हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, शुभ शुरुआत। हाँ जी। ठीक है। लॉटरी से हो रही है। लॉटरी से हो रही है। हाँ जी। दूध क्या उम्मीद करके लें जी? आज 6-7 दिन की ब्याई है जी, 16-17 लीटर दूध तैयार है जी।
16-17 तैयार है, तैयार है जी बिल्कुल। ये और भी बढ़िया चीज है, हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट फ्री, दूध तैयार, हाँ साथ में बछड़ी। बछड़ी और क्या चाहिए जी? कुछ नहीं, भगवान का नाम लें इसके बाद तो। हाँ, और इंतजार करें घर पे जब गाय आए तो उसकी व्यवस्था पूरी बना के रखें। व्यवस्था पूरी बना के रखें, गाड़ी वाले भाई को भी बढ़िया सेवा दें, सेवा दें, हाँ, उसको भी रहने की, उसको भी दें, हाँ, हाँ जी, उसके भी खाने पीने का प्रबंध जरूर से करके रखें। सफर में जाता है आदमी, हाँ, तो परेशानी है गर्मी का समय है। और आपके घर तक गोमाता लेके आ रहा है, हाँ, आपको अच्छा भाग्य मिल रहा है, हाँ जी, तो सेवा जरूर से बनती है। सही बात है। तो विक्रम जी भाई साहब कीमत क्या लोगे इसकी? 65,000 रुपए। 65,000 रुपए, हाँ जी, फाइनल मोल? हाँ जी, मोल फाइनल रहेंगे ये सभी गाय के। अच्छा, किसी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि 10-11 गाय है जी, अगर मान लो इसी का ही 75,000 मांग के फिर 65 में बेचनी है तो समय खराब वाली बात है। ठीक है, हाँ जी। तो ये 2 नंबर पे बंदी भी 1 नंबर वाली गाय? हाँ जी, 1 नंबर वाली गाय है। 1 नंबर वाली गाय, क्वालिटी में लाजवाब है। हाँ जी, क्या डिटेल है जिसकी? दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है जी। हाँ, दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम लेने वाली है? टाइम ले लेगी 10 दिन। अभी 10 दिन ब्याने में ले जाएगी आराम से। खूबसूरत ऑर्डर है, आजकल बहुत खूबसूरत है गाय का। खूबसूरत ऑर्डर है जी, खूबसूरत इसका स्वभाव है। स्वभाव भी बिल्कुल स्वभाव तो देसी गाय में ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। गाय ऐसी और स्वभाव भी ऐसा हो, हाँ ऐसा हो, तो गजब की डील है। सही बात है जी। क्या दूध क्षमता की है जी? दूध डालेगी 16 लीटर से प्लस। 16 लीटर से ज्यादा आराम से। 16 लीटर दोनों टाइम का मिला के 8-8 लीटर एक टाइम का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, टाइम कितना बताया जी आपने? लगभग 8 से 10 दिन मानो। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ब्याने वाली है आराम से जी। ठीक है, कीमत कितने वाली है? कीमत 65,000 रुपए। 65,000, हाँ जी, 65,000 रुपीज। हाँ जी, गाय खूबसूरत है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट आपने फ्री कर दिया है? फ्री कर दिया, 500 किलोमीटर तक की। और पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाय गजब की है और आपकी डील उससे भी ज्यादा गजब की है। सही बात है। तीसरी गाय और देख लेते हैं, एक बड़े ऑर्डर वाली। हाँ जी, ये 2 गाय कवर हो चुकी है और तीसरे वाली का ऑर्डर बहुत ही प्यारा प्यारा और बिल्कुल ठंडे शांत स्वभाव की है। स्वभाव की भी शांत। ये देखो, ये गाय ऐसी लेनी चाहिए जी। हाँ जी, गाय ऐसी लेनी चाहिए घर में पालने लायक। हाँ, पीछे है जी बछड़ी। अच्छा, इसके साथ भी फीमेल काफ है? हाँ, फीमेल काफ है। हाँ, बछड़ी है इस गाय के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये लगभग 3 दिन की है। 3 दिन की ब्याई हुई है? हाँ जी, 3 दिन की ब्याई हुई है। और अंडर क्वालिटी के साथ साथ गाय की फिजिक बड़ी शानदार है। हाँ जी, दूध कितना तैयार जी? दूध अभी लगभग आया जी इसका 15 लीटर के आसपास। 15 लीटर? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। कितने दूध तक जाने की उम्मीद? 16-17 लीटर। 16-17 लीटर? हाँ जी, 16-17 लीटर तक दूध तक जा सकती है। हाँ जी, साथ में बछड़ी है। हाँ जी, वाह जी, लाजवाब है। हाँ जी, कीमत कितनी रखोगे? कीमत इसकी 55,000 रुपए। 55,000? हाँ जी, 55,000 रुपीज। हाँ जी, ठीक है जी। गाय 3 कवर हो गई है। हाँ जी, और चौथे वाली एक और फिर से बड़े ऑर्डर वाली। हाँ, फिर से बड़े ऑर्डर वाली और हाँ, बिल्कुल ठंडे शांत स्वभाव की ये। हाँ, स्वभाव स्वभाव गाय का भाई साहब टेस्ट करके दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखो, हिलाने से भी गाय हिलती नहीं है। हाँ जी, ये स्वभाव अच्छा हो तभी ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो गाय के पास जाना भी मुश्किल हो जाता है ताजा ब्याई हुई। हाँ जी, सही बात है। क्या डिटेल है जिसकी? दूसरे ब्यांत में ब्याई आई। लगभग 4 दिन की ब्याई आई। 4 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा इसके साथ? बछड़ी आई। बछड़ी साईवाल की बछड़ी है, खुद राठी फीमेल का। हाँ जी, तो ये बैक टू बैक 3 गाय आई है, तीनों के साथ बछड़ी है। बछड़ी आई है ये। हाँ, आप खुद तो है ही राठी में। हाँ, और बछड़ी है साईवाल में। साईवाल में कस्टमर की दोनों डिमांडे पूरी है जी। हाँ, राठी भी मिलेगी, साईवाल भविष्य में। हाँ जी, भविष्य के लिए साईवाल तैयार कर ले। सही बात है जी। कितना दूध तैयार कर लेगी? लगभग ये 15 लीटर से प्लस डालेगी। अभी कितना निकाल सकते हैं? लगभग 14 लीटर के आसपास है। 14 लीटर? हाँ जी। इसका मोल जी? इसका मोल 48,000 रुपए। 48,000? हाँ जी। कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी, घर पहुँच। ट्रांसपोर्ट फ्री के साथ? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर वालों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, शानदार डील है। हाँ जी, गाय 4 कवर हुई है। हाँ जी, 5वें नंबर वाली एक और बड़े आंचल वाली हरियाणवी। हाँ, प्योर हरियाणवी है जी। प्योर हरियाणवी, ऐसा नहीं है कि कोई मिक्स ब्रीड में है। हाँ, बिल्कुल प्योर है। ब्याई भी है? हाँ जी। ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये आज होगी, 4 दिन की होगी। 4 दिन की ब्याई भी है? हाँ जी। और साथ में बच्चा? बछड़ा है जी। बछड़ा मेल का? हाँ, सेम क्वालिटी का ही है। सेम क्वालिटी का? हाँ जी। ऑर्डर इस गाय का भी प्यारा है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया अंचल है जी। हाँ, हाँ जी। अच्छा, कितने दूध तक की उम्मीद करके ले? दूध डालेगी 13 लीटर से प्लस। 13 लीटर से ज्यादा आराम से डालेगी, दिख रही है ऑर्डर में, आंचलों में बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, साथ में बच्चा बछड़ा है, मेल काफ है। हाँ जी, हाँ जी, बछड़ा है। कीमत कितनी रखोगे? 35,000 रुपए। 35,000? हाँ जी, 35,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी, खूबसूरत है, कीमत भी शानदार रखी है आपने। हाँ जी,
ये एक और ताजा ब्याई भी गाय? हाँ जी, गदरी राठी में आई। गदरी राठी, बच्चा क्या ले आई? बछड़ी लेके आई जी। बछड़ी तो गाय आपकी सारी बछड़ियां लेके आ रही है? नहीं, दो बछड़े है जी। अच्छा, दो बछड़े भी है। हाँ जी, एक इससे पहले जो है। ये कितने टाइम की ब्याई भी होगी? आज सुबह ब्याई, दो गाय। दो गाय सुबह ब्याई है? हाँ जी। ये उसमें से है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसका खीस कितना निकाला है? खीस निकाला है सुबह लगभग 4-4.5 लीटर। जेर गिरा दी जी? हाँ जी, कम्प्लीट है। जेर रेडी है? हाँ जी, जेर गिरा चुकी है। हाँ जी। गाय का रंग का पैटर्न जो है बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी। दूध कितना निकाल देगी जी? दूध डाल देगी 14 लीटर के आसपास। 7 लीटर एक टाइम का? हाँ जी, और मीडियम हाइट में है ये। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन भेजनी है, उधार में भेजनी है, सारी बात बतानी पड़ेगी। आप पहले से ये सब चीजें खुल के होनी चाहिए। हाँ जी, क्यों, देखो ये जैसे वीडियो के अंदर थोड़े और होता है, देखने में, लाइव देखने में कोई फर्क तो पड़ता है। हाँ, फर्क जैसे गाड़ी में भी जाती है, उस समय भी फर्क पड़ता है। कहाँ थोड़ा हल्की हो जाती है, वजन से कम हो जाती है। कुछ तो ताजी ब्याई है जी, कुछ देखो चल के जाएगी, सफर में, सफर की वजह से भी। हाँ जी, हाँ जी, सफर की वजह से भी सफर करती है। करती है। तो जेर गिरा के रेडी है? रेडी है जी। अच्छा, दूध कितना निकलवा लेगी? दूध अभी 4.5 लीटर खीस निकाल दिया सुबह। कितने दूध तक जा सकती है? दूध डालेगी 13-14 आराम से। 13-14। मोल जी भाई साहब इसका? 45,000। 45,000। हाँ जी, 45,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगली गाय और दिखा दो। ये भी ताजा ब्याई भी है? ताजा ब्याई है ये भी। अच्छा, हाँ जी। ये क्या लिया? ये बछड़ा लेके आई है। ये बछड़ा लेके आई? हाँ जी, हाँ जी, बछड़ा। कितने टाइम की ब्याई भी? ये लगभग रात को, आज रात को 2 बजे ब्याई है, उससे पहले ब्याई है। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले ब्याह चुकी है। से पहले ब्याह है। तो इसने भी जेर गिरा दी? हाँ, कंप्लीट है दोनों। जेर गिरा दी है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रॉपर जानकारी ले रहे हैं। हाँ जी। आप व्यूअर्स जो भी गाय पसंद करें, स्क्रीनशॉट लेके भाई साहब के पास भिजवा के, हाँ जी, और एक्स्ट्रा जानकारी जो भी लेना चाहे, हाँ जी, वो भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। जेर की अपने पास वीडियो होती है जी, सभी गाय की होती है। अच्छा, गिरी हुई की वीडियो साथ में रखते हैं। हाँ, हाँ जी, गाय ने जेर गिराई है उस समय की वीडियो, वीडियो होती है, रखते हो बना के? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो प्रूफ के लिए दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। इसके साथ बच्चा बछड़ा है? बछड़ा है जी। क्या दूध क्षमता की है जी? दूध डाल देगी 15 लीटर आराम से। 15 लीटर? 15-16। हाँ, आराम से 15-16। हाँ जी, 7.5-8 लीटर एक टाइम का आराम से डाल देगी। अच्छा, मोल जी भाई साहब? मोल इसका 55,000 रुपए। ये भी ट्रांसपोर्ट फ्री के साथ? हाँ, फ्री के साथ है। और कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी, हाँ जी, सभी गाय में। सभी गाय में? हाँ जी, हाँ। कोई सी भी गाय लें, कैश ऑन डिलीवरी रहेगी? हाँ, सही है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये हो गया जी, पेमेंट गाय घर पहुंचने के बाद? पहुंचने के बाद, गाय उतरने से पहले? गाय उतरने से पहले। हाँ जी, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर एक बात की है कि जो भाई एक गाय लेता है ना, हाँ, उसके लिए हमें थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि ज्वाइंट में 2 दिन लग जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा कोई हमारी कोशिश है ये रहती है कि थोड़ा बहुत कोई एडवांस डलवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो भेजनी तो होती है। भेजनी तो है। जो भाई 2 गाय लेते हैं उसकी कोई परेशानी नहीं, तुरंत ही लोड होनी है। जैसे अभी बात हुई तो लोड होगी तो निकल गई, निकल जाएगी। जैसे एक गाय है उसके लिए थोड़ा, फिर गाड़ी वाला भी जैसे पहले बुकिंग करवाता है, जिस गाड़ी वालों को लिखवाएंगे वो पहले एडवांस लेगा। अच्छा, तो एक अकेले सिंगल गाय ले तब? हाँ जी, मान लो मैंने एडवांस डलवा दिया, हाँ, आगे पार्टी के पास 2 दिन गाय पहुंची नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, तो मेरे वाली रकम फिर जब्त हो जाएगी। वो आपका भाड़ा जो है, किराया जो है, वो आपके जेब से लग जाएगा। पहले एडवांस डलवाना पड़ेगा और गाय भी फिर आपको वापस मंगवानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी परेशानी की चीज है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अगली गाय और देख लेते हैं। हाँ जी, ये भारी गाय, शुद्ध नस्ल वाली? हाँ जी, शुद्ध राठी। का नाम भी बता दो, राठी। हाँ जी, शुद्ध राठी। देखो ये नाभी, देखो कितनी लंबी है। आंचल के गैप बढ़िया रहेगा। हाँ, सारा सिस्टम अच्छा है। तो नाभी लंबी देखें, देखते ही पहचान जाएं कि गाय की कदकाठी कैसी है और राठी कैसी है। हाँ जी, जो राठी के स्कीन है वो तो खुद देख लेंगे जी, देख लेंगे, देखते ही पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे जी। कितने टाइम की गैपिन है जी? लगभग ले जाएगी जी, जिमीदार ने तो 15 दिन बताया है। 15 दिन? हाँ, 10 दिन। राठी पे ब्रीडिंग करने वाले हैं वो इस गाय को देखें। हाँ जी, परख लें। सही बात है। और परखने के बाद ये गाय राठी की ब्रीडिंग के लिए ले सकते हैं। सही बात है। कितने दूध क्षमता की है जी? 17-18 लीटर की। 17-18 लीटर की? हाँ जी। जोड़ी बड़ी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बनाई गई। पिछले ब्यांत में कितना दूध रखा हुआ है? पिछले ने 16 से प्लस आई, पिछले में 16 लीटर से ज्यादा। हाँ जी, इस बार 17-18 लीटर तक जा सकती है। हाँ, आराम से बढ़ जाएगी। बढ़िया कोई आदमी के पास चलेगी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी। जिसकी परवरिश बढ़िया उसके पास ही दूध बढ़ना है जी। हाँ, अच्छी परवरिश वालों के पास तो दूध बढ़ेगा ही। सही बात है जी। इसका मोल क्या लोगे? 55,000 रुपए। 55,000? हाँ जी। 55,000 रुपीज? हाँ जी। ट्रांसपोर्ट फ्री और कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों सुविधा है, दोनों ही फैसिलिटी है। हाँ जी, ठीक है जी। अगली गाय और देख लेते हैं। इस गाय की और डिटेल शेयर कर दो विक्रम जी भाई साहब। ये साहीवाल और जर्सी में थोड़ी बहुत ही मिक्स आई, क्रॉस में है। क्रॉस में है? क्रॉस में है। हाँ जी। तो क्रॉस वाली गाय जो डेयरी पशुपालक है वो ज्यादा खरीदते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिनको दूध के व्यवसाय के लिए गाढ़े दूध वाली गाय चाहिए। सही बात है। हाँ, क्या डिटेल है जिस गाय की? दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। गैबिन कितने टाइम की? लगभग 10-15 दिन तो ले लेगी। 10-15 दिन और ले जाएगी? 10 दिन मान लो मोटे मोटे। हाँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ब्याह जाएगी, ब्याह जाएगी, बच्चा दे देगी। हाँ जी।
क्या दूध क्षमता की है जी? दूध डालेगी 20 लीटर। 20 लीटर? हाँ जी। तो ये गाय आपकी 20 लीटर दूध वाली है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो गाय सेहत में भी अच्छी है और साथ में दूध क्षमता भी भाई साहब 20 लीटर बता रहे हैं। हाँ जी, बाकी ठंडे शांत स्वभाव की है। हाँ, स्वभाव की भी अच्छी है, कोई ऐसी नहीं है कि उतावलापन करेगी। हाँ हाँ जी। तो कोई चंचलता या उतावलापन नहीं है गाय के स्वभाव में? नहीं है। पिछले बात में कितना रखा बताया दूध? दूध इसने 17 लीटर से प्लस रखा है। 17 लीटर से ज्यादा? हाँ, हाँ जी। इस बार 20 लीटर की उम्मीद से? हाँ जी हाँ जी। अपने रिश्तेदारों से आई है? हाँ। मामा जी का लड़का वो विदेश गया है। अच्छा, उससे आई है? उनके यहाँ से आई है। हाँ जी। इसकी कीमत कितनी लोगे फिर? कीमत 65,000 रुपए। 65,000 रुपए? हाँ जी। ये तो एक तरीके से आपके घर की गाय हुई? हाँ जी हाँ जी, घर की। हाँ हाँ जी। तो इसमें कोई 1,500 रुपए छोड़ने वाली गुंजाइश रहेगी? देखो ये ऐसा है, मानने को घर की है। हाँ। पर वहाँ से तो भाव से आई है। अच्छा, क्योंकि सभी व्यापारियों के लगे होते हैं पैसे, कीमत लग के आई है? लग के आई है जी। हर आदमी को पता होता है कि इनका रिश्तेदार व्यापारी है। हाँ। तो वो टाइट भाव लगा के छोड़ता है। हाँ। और रिश्तेदार भी ये बात नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है, इससे कोई 10 रुपए कम ले लें। हाँ, इनको कमाने का मौका दे दे। हाँ, वो भी बोलता है कि दूसरी पार्टी ने तो हमारे इतने लगा दिए। विक्रम जी अब बताओ आप। अच्छा, अब आप बताओ कितने बढ़ा के लगाओ? बढ़ा के दिए जी। अच्छा, बढ़ा के दिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। अगली गाय एक और सफेद रंग में। हाँ जी। इसकी भी डिटेल और नस्ल बता दो जी। नस्ल है जी थार पारकर। थार पारकर? हाँ जी। तो थार की रानी? हाँ जी हाँ जी। श्वेत सुंदरी? हाँ जी। क्या डिटेल है जी? दूसरा ब्यांत है जी। दूसरा ब्यांत है? हाँ जी। दूसरा ब्यांत है। गैबिन कितने टाइम की है? लगभग 15 दिन ले जाएगी। 15 दिन में बच्चा दे देगी आराम से? 15 दिनों में ब्याने वाली है। हाँ जी। कितने दूध वाली है जी? 15 लीटर से प्लस की है जी। 15 लीटर से ज्यादा निकाल देगी? हाँ जी, बढ़िया टॉप का। कितना दिया हुआ पिछले ब्यांत में? पिछले ब्यांत में 14 लीटर दिया है। 14 दिया हुआ है? हाँ जी। इस बार 15 की उम्मीद रखोगे? बढ़िया आराम से दे देगी। अच्छा, हाँ जी। मोल क्या रखोगे? मोल 48,000 रुपए। 48,000? हाँ जी। 48,000 रुपीज? हाँ जी। एक गाय और बची हुई है? हाँ जी। जो लंबी दूरी वाली है? हाँ जी। विक्रम जी, भाई साहब ने वीडियो के लास्ट में गाय दिखाई है नगीना, और मैं कह रहा हूँ लास्ट में नगीना है। हाँ जी। तो जो लास्ट तक देख रहे हैं वो नगीने को पाएंगे। सही है जी। और उनका दिल जरूर से आनंदित होगा जब आप इसकी खुद विजिट कर कर भी हाँ जी नस्ल की शुद्धता देखेंगे। सही बात है। या हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी है तो घर पे जाएंगे, देखेंगे, देखते ही दिल मोहित हो जाएगा। खुश हो जाएगा ये पूरा परिवार। गैबिन है? हाँ जी। कितने टाइम की? 8 महीने से प्लस है। महीना सवा महीना और ले लेगी? हाँ, जाने एक में महीना कोई 5-4 दिन ऊपर नीचे कर लो। हाँ, क्या हाँ दूध क्षमता उम्मीद करके ले जी? 17-18 लीटर ही। 17-18 लीटर दूध की उम्मीद? हाँ जी। 17 लीटर तो फुल गारंटी वाला होगा, इसका कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, नस्ल की अच्छी है? हाँ जी, प्योर चोलिस्तानी ब्रीड है। चोलिस्तानी ब्रीड है? हाँ जी। खूबसूरती आप इसके सामने देख पा रहे हैं, दूसरी गाय भी कंपेयर की होगी। हाँ जी। पूरा वीडियो देख चुके हैं। हाँ जी। मेरी उम्मीद है कि इससे खूबसूरत गाय नहीं होगी और? नहीं, पूरे लोट में नहीं है। पूरे लोट में नहीं है। खूबसूरती के मामले में जरूर से A1 गाय है। हाँ जी है, सबसे लास्ट लगी है। हाँ, पर खूबसूरती में नंबर 1 आई। सही है। कीमत में कैसी है? कीमत में 65,000 रुपए। 65,000? हाँ जी। 65,000 रुपीज? हाँ जी। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट साथ में 500 किलो इसमें भी है? हाँ जी। सभी गायों में है? हाँ जी। कमोबेश A to Z गायों के अंदर ट्रांसपोर्ट आपने फ्री दिया हुआ है? सही बात है। और कैश ऑन डिलीवरी दी है? हाँ जी। व्यूअर्स, आपको गाय कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताएं। हाँ, और साथ में विक्रम भाई साहब का हौसला जरूर से बढ़ाएं। सही बात है। जो आदमी ईमानदारी से गायों का व्यापार कर रहा हो, गायों को बढ़ाने में लगा हुआ हो, सही बात, और इतना रिस्क लेके, रिस्क पूरा जी, रिस्क है जी, गाय बिना पैसे के भिजवा दोगे। हाँ जी। सामने वाली पार्टी ने अगर फोन नहीं उठाया तो? हाँ जी, तो सारे रिस्क है जी। पार्टी ने फोन उठा भी लिया, रास्ते में कोई भी परेशानी आ सकती, सारी मेरी है जी। हाँ, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं है सामने वाले ने, मान लो, तो दर्द उनको नहीं है। हाँ जी, उनको सारा कोई दर्द नहीं है, पैसे का आपका है। दर्द मेरा ही है, दर्द आपका है। सही बात है। तो आप व्यूअर्स भी इस दर्द को समझे, जाने। हाँ जी। और गाय अच्छी जगह से खरीदे। सही बात है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। हाँ जी। मैं कहता हूँ जी, दौड़ दौड़ के आप जाते हो फ्रॉड की तरफ, फ्रॉड नहीं आता है। सही है जी। आप जा रहे हो, जा रहे हैं, लालच में गला कटवाते हो, कटवाते हैं जी। तो यहाँ अगर गाय कैश ऑन डिलीवरी मिल रही है, हाँ जी, तो क्यों दौड़ धूप करके धूप छान रहे हो जी इधर उधर की? कारण है जी उसमें। हाँ। उसमें 1,00,000 रुपए वाला मान लो गौ माता होती है। हाँ। तो उसका वो 60,000 रुपए मांगते हैं और घर पहुंच बोलते हैं। हाँ। तो फटाफट पार्टी 20-30,000 रुपए डाल देती है, डाल देती है। अभी मान लो इस गाय का मैं 30,000 मांग लूं। हाँ। तो मैंने फ्रॉड करना, तो तुरंत पेमेंट तो 15,000 आ जाएगी। सही है। तो बाद में वो तो पीछे लटकने वाली बात है। फिर फोन नहीं उठाने, नहीं उठाने जी। सही है। फिर 65,000 वाली का अगर 30,000 मांगेंगे,
15,000 डलवाएंगे तो फोन कोई नहीं उठाता जी। तो सबसे बड़ा फर्ज दर्शकों का है जी, आज के वीडियो को देख के और आपसे बात करके मेरे को ये अनुभव आ रहा है कि अगर आपको गाय खरीदनी है तो अच्छी जगह से खरीदें। सही बात है, अच्छी गाय भी मिल रही है और साथ में कैश ऑन डिलीवरी भी सही है और ट्रांसपोर्ट भी फ्री, सारी सुविधा जी। इतनी गर्मी में कोई आने की जरूरत नहीं, घर पर बैठे ही दूध घर पर आ रहा है। तो फिर भी वहाँ जाके कोई भाई नाटक करता तो फिर भाई जी उसकी गलती है। वो गलत है जी, क्योंकि ईमानदार को ईमानदारी से अगर पेश करेंगे तो ईमानदार आदमी को बढ़ावा मिलेगा। मैं बार बार वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो लाइव देखने में वीडियो में फर्क रहेगा गाय। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कई भाई गाय उतरने से पहले गाय उतार लेते हैं, बाद में नाटक करते हैं ये तो अभी दुबली पतली है। तो मान लो अगर गाय 600-700 किलोमीटर जा रही है तो थोड़ा फर्क पड़ना है। फर्क पड़ेगा, पेट सारा खाली हो जाता है, हो जाता है। नहीं तो 700 किलोमीटर का सफर इसी पिकअप के अंदर करके देख लो जी, एक बार खड़े होके देख लें जी, 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर का सफर पिकअप में खड़े होके करके देखो, एक बार करके देख लो, फिर अपना वजन नाप लेना। नाप लेना हाँ, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 1 kg तो आदमी का ही कम हो जाएगा, कंप्लीट आराम से 1-2 kg पक्का ही। और तो 60 किलो का आदमी अगर 1 किलो कम कर लेगा तो 600 किलो वाली गाय का भी 10 किलो हाँ जी 20 किलो कुछ घटने की घटेगा। और आदमी तो हर रोज सफर करता है जी, इसने कौन सा सफर किया, कभी इसने कहा गाड़ी चढ़ी है जी, अभी कोई 100-200 किलोमीटर से आई है, आगे जाएगी कोई क्या पता इसकी किस्मत में 1000 किलोमीटर लिखा है, 500 लिखा है, किसके घर पर जानी है। सही है जी, हाँ जी। जहाँ का अन्न दाना होगा, जहाँ का दाना पानी है वहाँ जाएगी जाएगी। कैसी लगी व्यूअर्स वीडियो जरूर से कमेंट में लिखें, हाँ जी। और हौसला बढ़ाने के लिए जय गौ माता जरूर से लिख दें और लाइक करें जरूर, लाइक जरूर से करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी भाई साहब, आपका धन्यवाद जी। जय गौ माता, जय गौ माता।